लोग सिरदर्द को मामूली समझकर कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यही मामूली सिरदर्द किसी स्ट्रेस, डिप्रेशन या न्यूरो प्रॉब्लम या फिर ट्यूमर जैसी किसी गंभीर बीमारी का सिग्नल होता है। तो ऐसे में सिरदर्द कितना ख़तरनाक है, इसकी पहचान कैसे करें ताकि अगर किसी गंभीर बीमारी का ये सिग्नल है तो वक्त रहते इसे पहचान के बचा जा सके। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है ज्योत्सना जी। हम कई बार छोटे छोटे इंडिकेशन, संकेत आते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ डिजीज आर द इंडिकेशंस, ये और कुछ भी नहीं है। सिर दर्द हो रहा है लंबे समय से तो इसका मतलब आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। कोई शाकाहारियों को फूल गोभी से, पत्ता गोभी से या किसी भी प्रकार की हरी सब्जियों से, या मांसाहारियों को सुअर आदि से और दूसरे मांस से एक कीड़ा चला जाता है, दिमाग में घर बना देता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, उससे फिर माइग्रेन पेन और उससे तो फिर एपिलेप्सी के दौरे तक पड़ने शुरू हो जाते हैं। आजकल ब्रेन ट्यूमर बहुत हो रहा है, जिस तरह से रेडिएशन ज़्यादा बढ़ रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है और व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल ज़्यादा है और कपाल भाती या अनुलोम विलोम नहीं कर रहा है, हमारे ना पेट में कीड़ा है ना दिमाग में कीड़ा जाता है, दिमाग में कीड़ा चला जाता है, और जो योग करते हैं उनके दिमाग में भी कीड़ा नहीं रहता, पेट में भी। मैंने ज़िंदगी में कभी कीड़े की दवाई नहीं ली। वैसे हमारे आयुर्वेद में भी जो है विडंगा सब दिया जाता है, कमीला दिया जाता है, आड़ू के पत्ते और खाली पेट टमाटर खिलाते हैं, ये सब पेट की कृमि के लिए बोलते हैं, मरुआ का प्रयोग कराते हैं पेट के कृमि के लिए। एक दिन हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने मेरे से कहा कि स्वामी जी आपने कभी पेट के कीड़े की दवाई नहीं खाई है। मैंने 2-3 दिन तक दवाई खाई, इंडियन टॉयलेट में रोज़ चेक किया, एक कीड़ा नहीं निकला। इसका मतलब जो योग करता है उसके पेट में कीड़े नहीं पनपते और दिमाग में भी कीड़े नहीं जाते। जो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, यहाँ यहीं नीचे नीचे रुक जाते हैं, उनका ऑटोमेटिकली सिस्टम अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत सच में खतरे हैं। और ब्रेन ट्यूमर भी हो जाए तो सिर में हम मिट्टी का लेप लगाते हैं, कपाल भाती या अनुलोम विलोम कराते हैं, मेधा मेमोरी के साथ सिस्टोग्रीट और काचना और वृद्धिवाधिका देते हैं, और सुबह सुबह तो हम हल्दी गिलोय एलोवेरा तुलसी नीम इनका जूस पिला देते हैं। ब्रेन ट्यूमर तक को हमने ठीक किया है, ये हमारा अनुभव है। और अनुलोम विलोम तो करना है, तो लंबे समय तक ये सिर दर्द रहता है तो ये सच में किसी बड़े रोग का संकेत होता है, इसको इग्नोर ना करें। मैं तो कहता हूँ किसी भी बीमारी को इग्नोर ना करें। पेट की छोटी सी बीमारी फैटी लिवर, लिवर सिरसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर में तब्दील हो सकती है। अब छोटी सी यूरिन की दिक्कत थोड़ी बहुत हो रही है तो उसको इग्नोर करते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है। हार्ट की छोटी मोटी प्रॉब्लम को, सांस फूल रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, कभी हार्ट अटैक और जीवन ही खत्म हो सकता है। कहीं छोटा सा क्लोट आया ब्रेन में, पैरालिसिस हो सकता है, जैसे बालकृष्ण को हो गया था। अब तो ये आनंद मुद्रा में मिट्टी पट्टी का आनंद ले रहे हैं, उन्होंने अनुलोम विलोम करके अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया। ब्रेन क्लोट हो जाता है, इसलिए खाली पेट लहसुन खाओ, अर्जुन के चाल दालचीनी पियो, लौकी का जूस पियो कम से कम सप्ताह में 1-2 बार, कभी कोई क्लोट जमेगा ही नहीं। तो कोई भी बीमारी को छोटा नहीं मानना, हर रोग शत्रु है, उसको खदेड़ डालो जी। स्वामी जी, एक बड़ा संकेत ये भी है कि वो बीमारियां जो बड़ों को होती थी वो अब छोटे छोटे बच्चों को हो रही है, और एक बीमारी है माइग्रेन जो बड़ी कॉमन सी है स्वामी जी, लेकिन अब ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी हो रही है, बच्चे भी बड़ा माइग्रेन की शिकायत कर रहे हैं, इसके लिए क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल जिम्मेदार है, क्या ज़्यादा एक्सेस टीवी फोन ब्लू स्क्रीन का, और बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो रहा है, कंप्यूटर गेम्स का एडिक्शन हो रहा है, गेम खेलते नहीं है बच्चे, मिट्टी में खेलने दिया करो बच्चों का, सुबह सुबह दौड़ाया करो। जो बच्चों को ऐसे जो है बहुत कंफर्ट में रखते हैं उनको दौड़ाते नहीं, तपस्या नहीं कराते, वो माता पिता बच्चों के शत्रु हैं। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, ऐसा हम पढ़ते थे, माता शत्रु पिता बैरी ये न योगो न कारिता। तो ये नया सूत्र दे दिया आज, तो बच्चों को दौड़ाओ सुबह सुबह, पसीना बहाया करो उनका, फिर बच्चों को ब्राह्मी शंख पुष्पी और ज्योतिषमती, फिर मीठी बच अश्वगंधा, ये 5 चम्मच से कोई भी चीज़ देते हैं, बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पीस करके मिक्सी में घोट करके दूध में पानी में पिला दिया करो, और सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच मक्खन
थोड़ा मिश्री के साथ या शहद के साथ बच्चों को दे दिया करें। कल मैंने 2 चम्मच मक्खन खाया, अरे साहब पूरा दोपहर तक कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और उससे दिमाग इतना तरोताज़ा रहता है, जैसे कहते हैं दिमाग में ऐसा कुछ रूखा सूखा सा हो रहा है, ऊपर भी स्केल भी इसमें डेंडर बहुत आ जाते हैं, दिमाग रूखा सूखा रहेगा ही नहीं। 1 चम्मच सुबह गाय का घी या गाय का मक्खन खा लो, या हाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल, देखो इधर रखा है ना वर्जिन कोकोनट ऑयल, इधर लेकर के आ लो, ये सुबह सुबह वर्जिन कोकोनट ऑयल अथवा गाय का घी, हाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल या सुबह सुबह गाय का घी, यह हम खिला देते हैं। और हम तो कहते हैं जो ऐसे कर लेगा ना, देखो ये 1 चम्मच ये सुबह सुबह पी लिया करें। पीने में इतना स्वादिष्ट भी है, बहुत ज़बरदस्त है, तो कभी सिर दर्द होगा ही नहीं। फिर उनको बादाम पाक खिला दो, या जो है अच्छी अच्छी चीज़ें इतनी हमने बना रखी है, सुबह सुबह ब्राह्मी घृत खिला दो, मेधावटी या मेधावटी ओमेगा ये मेमोरी ग्रिट ये हमने इसलिए नहीं रखी है प्रदर्शन के लिए, ओमेगा ब्राह्मी मेधा ये सब, और एक कप दूध या 1 गिलास दूध, एक और नहीं तो दही, किसी को दूध हजम नहीं होता तो दही, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं वो अपने आप डाइजेस्ट होता है, तो सिर में दर्द कभी होगा ही नहीं अब किसी को। स्वामी जी रिसर्च कहती है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले हेडेक ज्यादा होता है, और फिर ये ज्यादा देर तक रहता भी है, जिसकी एक वजह है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। तो हार्मोनल बैलेंस कैसा बना रहे, उसके लिए क्या क्या आयुर्वेदिक उपायों के साथ साथ योगाभ्यास करने की आवश्यकता है वो भी बताएं। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक सीधा सा उपाय तो है, लेडीज़ को ना पीरियड की बड़ी दिक्कतें रहती हैं, उसके लिए 10 मोल क्वाथ लें, 10 मोल आयरिस्ट पिया करें, नारी कांति बड़ा ही ज़बरदस्त हमने प्रयोग बनाया हुआ है। जिनको PCOD होती है उनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, तो PCOD के लिए सिस्टोग्रिट वृद्धिवादी का और जो है काचरा गुगुल आदि और कपाल भाती इसका प्रयोग करें। जिनको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है तो यज्ञ की भस्म का पानी अथवा शीशम पीपल बेल एलोवेरा वेडर ग्रास का रस, इससे पित्त का भी प्रशमन हो जाएगा, ओवर ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। और हाँ सफ़ेद पानी जिसको लिकोरिया कहते हैं वाइट डिस्चार्ज, ये भी शीशम के पत्तों से अच्छा हो जाता है। और नारी कांति वटी सिर्फ तो इससे पीरियड की दिक्कत से मेनोपोज और उस समय हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए भस्त्रिका भी करें, कपाल भाती भस्त्रिका 5-5 मिनट और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। तो लेडीज़ को हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही नहीं। बादाम रोगन नाक में डालें और सिर का तेल, सिर में बादाम का तेल या नारियल का तेल जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ना इसको लगा लिया करें। और अमृत रसायन ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये मस्तिष्क के रोगों के लिए, सिर दर्द के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अभी अक्टूबर महीने तक अमृत रसायन, फिर बाद में च्यवनप्राश शुरू हो जाएगा। और सप्ताह में एक बार ये अनानास का जूस पी लें, सप्ताह में एक बार पेठे का जूस पी लें, एक बार लौकी का जूस पी लें, एक बार भी अनार का, अनार में थोड़ा सेव भी मिला सकते हैं, सेव भी बड़ा अच्छा तो एकदम हेल्दी वाला आया हुआ है, सेव अनार गाजर चुकंदर, सप्ताह में एक एक दिन एक एक जूस पी लिया करें। ज़िंदगी में कभी फिर हार्मोनल इम्बैलेंस और न्यूट्रिशंस का इम्बैलेंस, न्यूट्रिशंस माइक्रोन्यूट्रिशंस विटामिन डी B12 कैल्शियम आयरन ओमेगा कोलेजन इन सब की कमी नहीं होगी। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें, अपनी जीवन शैली को योग आयुर्वेदमय बना लें, प्रकृतिमय बना लें, संस्कृतिमय बना लें, तो ये स्वस्थ सनातन सार्वभौमिक वैज्ञानिक सर्वहितकारी जीवन पद्धति, हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल हम रोज़ बताते हैं, इसको अपना लेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही नहीं कभी भी किसी भी तरह से।